और साथ में अगर हम डॉलर बनाम रुपया देख लें तो एक बार फिर ये 83 के आसपास तक गया और उसके बाद फिर कहीं पे रुका है। तो जो हम एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं पिछले कुछ महीनों के जो टॉप हैं, जो सबसे ऊपरी स्तर हैं, उनको मिला करके एक ट्रेंड लाइन बनाएं तो बहुत परफेक्ट ट्रेंड लाइन शायद बन रही है यहाँ पे। हाँ, मैं इसमें बहुत ज़्यादा 83 के ऊपर अभी भी रीड नहीं कर रहा हूँ। क्यों रीड नहीं कर रहा हूँ? बिकॉज ये जो मूवमेंट है बहुत क्लियर है, और ये लास्ट 2 वीक में क्लियर हुआ है कि जो फंड आउटफ्लो टुवर्ड्स चाइना है जिसके कारण से ये प्रेशर है, तो इसके अलावा कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है। तो 83 के आसपास आस आया है, रुकेगा एकदम से, यहाँ से नहीं भागना चाहिए। थोड़ा बहुत मुझे लगता है 83 के आसपास RBI इंटरवेंशन भी होगा यहाँ पे, लेकिन रुकने के लिए इसका 50 DMA जो है 82.2 82.15 के आस पास, उसके नीचे जब तक क्लोज नहीं होगा इसका स्ट्रेंथ तो बना रहेगा, लेकिन मुझे लार्जली ये अभी भी रेंज बाउंड लगता है। नीचे में 80 और ऊपर में 83, ये अभी भी रेंज बाउंड लगता है। रादर स्ट्रक्चर वीकिश था एक्स जो फंड मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स चाइना, तो अभी यही व्यू है। जी, यार पे 83 के ऊपर तो थोड़ा पैनिक हो जाएगा। तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत होता हुआ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, डॉलर बनाम रुपया एक रेंज बाउंड, इन दोनों का हमारे बाजार के नजरिए से, ओवरऑल इंडिसेस के नजरिए से और सेक्टोरल व्यू से, मतलब इसको अगर हम ट्रांसलेट करना चाहें अपने शुद्ध हिंदी में वो क्या होगा? देखिए, उसी का असर देखने को मिल रहा है कि हमारी मार्केट बढ़ नहीं पा रही, क्योंकि डॉलर एक डॉलर इंडेक्स राइज तो हो रहा है अगेंस्ट मेजर करेंसी विच इज फाइन। हमारा पैसा जो कि निकल के मेजरली एशियन कंट्री में ही मूव हो रहा है, उसके कारण से रुपी भी इम्पैक्टेड है। तो ये इम्पैक्ट नेगेटिव थोड़ा और समय तक बना रहेगा, और अच्छा तो ये हो कि चाइना जल्दी से 10% राइज कर जाए चाइनीज, और उसके बाद फिर थोड़ी स्टेबिलिटी हमारे मार्केट में रिटर्न हो।